प्रचार प्रसार थम जाएगा। 7 मई को तीसरे चरण की 10 सीटों पर चुनाव होना है। तीसरे चरण के चुनाव में मैदान में बता दें कि 100 प्रत्याशी हैं इस बार और आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। तो देखिए 7 मई को तीसरे चरण की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है और तीसरे चरण के मतदान के लिए बता दें कि आज से प्रचार प्रसार थम जाएगा। शाम के 5 बजे तक आज आखिरी दिन है प्रचार और प्रसार करने का। तो मैनपुरी, बदायूं, संभल, हाथरस में प्रचार प्रसार थम जाएगा। आगरा, फतेहपुर सीकरी, आंवला में प्रचार प्रसार आज शाम 5 बजे तक किया जाएगा। फिरोजाबाद, एटा, बरेली में भी प्रचार प्रसार थम जाएगा। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। 10 लोकसभा सीटों में यूपी में मतदान होगा और जिसके लिए देखिए इस बार मैदान में 100 प्रत्याशी हैं तीसरे चरण के लिए, जो अपनी किस्मत अजमाएंगे। तो 7 मई को 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली सीट है। आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान के लिए आज शाम 5 बजे तक प्रचार और प्रसार किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं बरेली से और वहीं मैनपुरी से संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम, देखिए मैनपुरी का चुनाव इस बार बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्या कुछ इस बार का चुनावी मुद्दा रहा क्योंकि आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है? देखिए मैं अगर मैनपुरी की बात करूं तो मैनपुरी बहुत हॉट सीट है और इसके लेकर आज जो तीसरे चरण की मतदान होना है उसको 7 तारीख को मतदान होना है, जो उसको लेकर आज प्रचार प्रसार शाम को 5 बजे थम जाएगा। मैनपुरी हॉट सीट क्यों है? मैनपुरी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव है, चूंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी है, तो वही भारतीय जनता पार्टी से कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार के ठाकुर जयवीर सिंह है। तो मुकाबला काफी दिलचस्प है, जैसे कि कल जो रोड शो निकला या रोज प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें जो जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है दोनों पार्टियों का, तो उन उत्साह और जोश को देखते हुए लग रहा है कि दोनों पार्टियां बहुत शानदार चुनाव लड़ रही हैं और बहुत जोश के साथ, बहुत ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ रही हैं। अभी हालांकि समय बताएगा कि ये सेहरा किसके सिर सजे, लेकिन अभी जो उत्साह जो दिख रहा है वो जो दो हॉट सीट का जो मामला दिख रहा है वो बहुत ही रोचक चुनाव है, बहुत इंटरेस्टेड चुनाव दिखाई दे रहा है। कोई भी पार्टी, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी अपने प्रचार प्रसार में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि यहां तक कि एक रूठे हुए मतदाताओं को डोर टू डोर घर घर जाकर समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, कोई भी कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ना चाहता है कि जिससे कि मतदाता में कोई नाराजगी देखने को मिले और वो वोट में कई नुकसान के रूप में देखने को मिले। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैनपुरी में चुनाव बहुत दिलचस्प है और देखने लायक है। जी बिल्कुल, बरेली से संवाददाता दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, 7 मई को तीसरे चरण में बरेली में मतदान होगा, क्या कुछ इस बार सियासी माहौल है बरेली में? देखिये तो बरेली मंडल की बात करें तो पहले चरण में सिर्फ पीलीभीत में मतदान हुआ था, उसके बाद से बरेली में 4 लोकसभा है, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं और ये आंवला, इनको लेकर लगातार जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनके पक्ष माहौल बनाने के लिए तमाम केंद्रीय नेता रहे, प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री बरेली में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा जनसभा कर चुके हैं, आंवला में धर्मेंद्र कश्यप के प्रचार के लिए केशव प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तक यहाँ रहे। माहौल कहीं भी टाइट है, चूप ना हो जाए इसलिए माहौल को टाइट रखा गया है, लगातार नेताओं दर नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। बरेली में 88,000 मतदाता है, वही आंवला में 17,58,000 के आसपास मतदाता है, दोनों ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत है, उसको लेकर जिलाधिकारी बरेली लगातार कई कार्यक्रम स्वीप के माध्यम से और लोगों को जागरूक करने के तमाम ऐसे कार्यक्रम किए गए जिससे कि मतदान प्रतिशत भी बढ़े। मतदान प्रतिशत दोनों चरणों में इस बार कम रहा है। बरेली को लेकर आज आखिरी दिन है, आज भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार एक रोड शो के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं प्रवीण सिंह एरन जो कांग्रेस गठबंधन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो लगातार लोगों से जाकर क्षेत्र में मिले हैं और आज वो पूरा जो आज का दिन है वो पूरे शहर में लोगों से मिलेंगे, तमाम लोगों के साथ उनकी
चर्चाएं हैं। और वहीं आंवला की बात करें तो इस बार आंवला में भाजपा से धर्मेंद्र कश्यप लगातार लोगों के बीच में जा जाकर वोट मांग रहे हैं और अपनी की हुई कोई गलती है जो लोगों को दिल में लगी है उसके लिए कई बार वो सार्वजनिक मंच से एक वीडियो जारी करके माफी भी मांग चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी नीरज मौर्या लगातार उनको जन समर्थन मिल रहा है। वो आंवला में शाहजहांपुर जलालाबाद के बाद जब वो आंवला से उनका जब टिकट हुआ तो आके लगातार यही डटे हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। या अखिलेश यादव की आंवला में भी जनसभा हुई थी, उसके बाद से भीड़ देखकर गदगद है। यहाँ पर जो मतदाता है वो निकले घर से वोट करें उसको लेकर भी जिलाधिकारी बरेली ने लगातार अभियान चलाए हैं और जो SDM और नायब तहसीलदार और जो तहसीलदार है उनको निर्देश दिए कि अपने लोगों को भेजे, BLO को भेजे, मतपत्र और वोटरों के पास पहुंचे और वो वोट जाके करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें। इसको लेकर अभियान भी चल रहे हैं और मत प्रतिशत बढ़े इसको लेकर खासा फोकस भी किया जा रहा है। फिलहाल दोनों प्रत्याशी ने आंवला और बरेली पर पूरी ताकत झोंक रखी है। हर प्रत्याशी अपनी बात कर रहा है, जीत का दावा कर रहा है, मगर सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, बरेली में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां पर बसपा का प्रत्याशी नहीं है। बसपा के प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार का नामांकन खारिज हो गया था, पर्चा खारिज हो गया था, उसके बाद से इन दो के बीच मुकाबला है। वहीं आंवला में धर्मेंद्र कश्यप और समाजवादी पार्टी और बसपा त्रिकोणियों का मुकाबला है। तीनों लोग वहां अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बसपा से जहां नगर पालिका चेयरमैन आबिद अली को लोकसभा उम्मीदवार बनाया है, वहीं नीरज मौर्या लगातार लोगों से जीत की बात कह रहे हैं, उनके पक्ष में माहौल बना हुआ है और माहौल को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है जिससे कि आज शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, उसके बाद लोग अपने कल का पूरा दिन है घर बैठ के रणनीति बनाएंगे क्योंकि चुनाव आयोग के निर्देश है कि कहीं भी कोई चुनाव प्रचार थमने के बाद किसी प्रकार का कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा, कोई नुक्कड़ सभा नहीं होगी, कोई जनसभा नहीं होगी। इसको लेकर ये प्रत्याशी अपने समीकरण साधने के लिए अपने लोगों के साथ चर्चा करेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे और लोगों से फोन के माध्यम से अपील करेंगे कि उनको जिताने की कोशिश की जाए, उनको वोट किया जाए। इन तमाम चीजों को देखने के लिए सिर्फ आज प्रचार थम जाएगा। प्रचार के बाद कड़ाई से सख्ती से पालन हो उसको लेकर जिलाधिकारी बरेली ने अपील भी जारी की है। आज शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी जब तक वोटिंग ना हो जाए, उसके बाद तब तक कभी कोई अगर अवैध शराब बेचते हुए पाया गया या ले जाते हुए पाया गया उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की बात की गई। आबकारी महकमे को अलर्ट एक्टिवेट किया गया, 84 FS टीमें बनाई गई हैं, जो उड़नदस्ता जिनको कहा जाता है वो टीमें लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं। कहीं अभी तक बरेली में कोई बड़ा कैश भी नहीं पकड़ा गया चेकिंग के दौरान, ना ही कोई ऐसी बड़ी बात निकल के आई है जिससे कि ये लगा जाए कि चुनाव कहीं ढीला पड़ रहा है या सख्ती नहीं है। बहुत टाइट सख्ती है और देर रात भी कई सड़कों पर उतरकर टीमें लगातार चेकिंग कर रही हैं, गाड़ियां चेक कर रही हैं जिससे कि धनबल का प्रयोग ना हो, बाहुबल का प्रयोग ना हो। उसको लेकर SSP बरेली ने अपना नंबर जारी किया, कहीं अगर कोई धमकाता है, डराता है, मतदाताओं को लुभाने का काम करता है, उसकी तत्काल शिकायत की जाए। टीमें एक्टिवेट है, तत्काल मौके पर पहुंचेगी और कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल। अब सीधे रुख करते हैं आगरा की तरफ। आगरा से संवाददाता शोभित हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोभित देखिए, आज जो प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, 7 मई को मतदान होना है, क्या कुछ आगरा में चुनावी माहौल है? देखिए, तीसरे चरण की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटें इसमें आती हैं, जिसमें हॉट और VIP सीट बहुत सारी है। अगर आगरा की बात की जाए तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री AP सिंह बघेल वो चुनाव लड़ रहे हैं और क्योंकि आज प्रचार थमने वाला है तो इसलिए BJP और कांग्रेस ने पूरी ताकत भी झोंक दी है। आज डिप्टी CM केशव मौर्य आगरा में रोड शो कर रहे हैं, साथ ही सचिन पायलट भी फतेहपुर सीकरी प्रत्याशी का प्रचार करेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, फ्लाइंग स्क्वाड लगातार यहाँ पे कर रहा है, काफी कैश और लीकर भी यहाँ से पकड़ा गया है। इसके अलावा अगर हॉट सीट की बात की जाए, मैनपुरी से डिंपल यादव और जयवीर सिंह मंत्री वो भी इसी चरण में यानी कि जो भाग्य जमाएंगे थर्ड फेज में, उसके बाद हाथरस से मंत्री आते हैं वो भी, तो यानी हॉट सीट और तीसरा फेज है काफी निर्णायक होगा। जी बिल्कुल। शोभित अगर बात की जाए, देखिए आपने बताया कि त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है, तो क्या कुछ इस बार समीकरण बैठ रहा है वहां पर आगरा की बात की जाए, किसके पक्ष में जनता दिखाई दे रही है? देखिए, 2 सीटें आगरा में आती है, आगरा लोकसभा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा। आगरा लोकसभा में लगभग माहौल BJP का बना हुआ है और आज एक बड़ा रोड शो करने वाले हैं केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने लगातार आगरा में कैंप कर रखा था, तो आगरा बड़ा से और मोदी ने भी यहाँ पे सभा की थी और CM भी लगातार यहाँ पे आ रहे थे। और अगर बात की फतेहपुर सीकरी की तो वहां पर टक है BJP के लिए, वहां पर टक्कर देखी जा रही है जो प्रत्याशी है गठबंधन के रामनाथ सिकरवार, प्रियंका गांधी ने यहाँ पे रोड शो करती है आगरा में और पूरा माहौल यहाँ बदल जाता है। तो फतेहपुर सीकरी में फाइट जरूर है, लेकिन आगरा अगर शहर की बात की जाए तो यहाँ फाइट नजर नहीं आती है। जी बिल्कुल। शोभित देखिए, 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका, उसमें वोटिंग परसेंटेज में काफी गिरावट देखने को मिली और लगातार अब जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, आगरा में भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है क्या?
देखिए डीएम आगरा चंद्रबानू गोस्वामी ने एक अभियान चलाया है, उनका यह प्रयास है कि अधिक सबसे पहले मतदान फिर जलपान, लगातार पूरे शहर में होर्डिंग पोस्टर नुक्कड़ नाटक कराए जा रहे हैं जिला एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। वहां ये प्रयास है जो वोटिंग परसेंटेज है जो कम हुआ है खासकर पिछले दो चरणों में, वो एक चिंता का विषय है। इसका अहम कारण गर्मी भी है, गर्मी बहुत ज्यादा है, हीट वेव लगातार चल रही है, लोग कम घर से निकल रहे हैं, लेकिन लगातार प्रशासन ये अपील कर रहा है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें, क्योंकि वो मतदान सबका अधिकार है, लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में महापर्व है ये मतदान। जी बिल्कुल शोभित, अगर आगरा की बात की जाए तो वहां पर चुनावी मुद्दे इस बार क्या हैं, कौन से मुद्दे हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे हमेशा से पानी का रहा है, क्योंकि पानी एक बहुत बड़ी किल्लत रही है आगरा के लिए और फतेहपुर सीकरी के लिए, वो एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि जो गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार की गंगा जल आगरा में लेकर आई है, लेकिन उसकी सप्लाई भी कई जगहों पर नहीं हुई है। अगर बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, पर्यटन नगरी है, यहाँ पे ताजमहल आता है, देश विदेश से पर्यटक आते हैं, यहाँ पे जो इंफ्रा होना चाहिए वो भी विकसित नहीं हो पाया है, जिस प्रकार से टूरिज्म की बात करते हैं, तो ये एक अहम मुद्दे है। पानी का मुद्दा है, टूरिज्म का मुद्दा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है, और ये एक बहुत बड़े मुद्दे हैं। जी बिल्कुल, संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ इस बार चुनावी माहौल दिखाई दे रहा है फिरोजाबाद की बात की जाए? देखिए आज जो प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। बिल्कुल नंदनी, आज शाम को प्रचार प्रसार थम जाएगा और उसके बाद जो प्रत्याशी हैं उनके दिल की धड़कने बढ़ जाएंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर है। कभी त्रिकोणी संघर्ष हुआ करता था, कभी निर्दलीय आगे रहते थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दो प्रत्याशी आमने सामने हैं। 18,50,000 से अधिक के कुछ वोटर्स हैं, जिसमें महिलाएं हैं, नए वोटर्स भी हैं, ट्रांसजेंडर भी हैं, तो कुल मिलाकर बड़ी गहमा गहमी का माहौल है। प्रत्याशी दमखम अजमा चुके हैं। समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो सिटिंग एमपी हैं डॉक्टर चंद्रसेन जाधव, उनका टिकट काटकर ठाकुर विश्वदीप सिंह पर अपना भरोसा जताया है। दोनों ही एक दूसरे के लिए पटकनी देने की बात कर रहे हैं। 2014 में अक्षय यादव फिरोजाबाद से जीते थे, लेकिन 2019 में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की जो दूरियां थी, जो विवाद था, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी अपने उस गढ़ को दोबारा इस सीट को जीतकर बनाना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि गढ़ किसी का नहीं होता, जिसको वोटर वोट देगा वो जीतेगा। तो ये सब उम्मीदें हैं, स्थानीय मुद्दे भी हैं, जातिगत आंकड़े भी हैं, तो ये बहुत कह देना कि ये प्रत्याशी जीत की ओर जाएगा ये, या फिर ये कह देना कि इसकी हार होगी, बहुत जल्दबाजी है। लेकिन 7 मई को जो चुनाव होगा तीसरे चरण का, वो बड़ा रोचक होगा। मतदाताओं में रुचि भी कम देखी जा रही है, इससे ये भी माना जा सकता है कि वोट प्रतिशत कम होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि प्रशासन ने जागरूकता के नाम पर कोई ऐसी जन जागरणता रैली नहीं निकाली, लोगों को जागरूक नहीं किया, जिससे वोटर में उत्सुकता आए और वोट डालने के लिए सबसे पहले वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे। नंदनी जी, जितेंद्र देखिए चुनाव में जनता के अहम मुद्दे बड़े मायने रखते हैं, फिरोजाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर कौन से मुद्दे हावी होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए नंदनी, मैं आपको बता दूं, दोनों प्रत्याशियों ने स्थानीय मुद्दों को अपने प्रोटोकॉल में नहीं लिया, अपने जो चुनावी एजेंडा है उसमें नहीं लिया। कुल मिला के जातिगत आंकड़े रहते हैं, दलगत आंकड़े रहते हैं, लेकिन बात की जाए स्थानीय मुद्दे, तो फिरोजाबाद का मेडिकल कॉलेज है जहां पर डॉक्टरों का अभाव है ना, उसके बाद अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, तमाम जो सुख सुविधाएं नहीं है, शहर में जाम की स्थिति बनी हुई है, किसान बेल्ट होने के कारण उनकी आलू का उत्पादन तो होता है लेकिन उसको कहां बेचा जाए, अच्छी कीमत मिले, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। पेयजल समस्या ग्रामीण इलाकों में अभी भी बनी हुई है, भले ही सरकार ने हर घर नल योजना लागू कर दी हो, लेकिन फिर भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी की समस्या है। साथ ही विद्युतीकरण की समस्या भी मस्ट बनी हुई है, कई ऐसे इलाके हैं जहां दिन में बिजली आएगी तो रात में नहीं आएगी, रात में आएगी तो दिन में नहीं आएगी, तो ये तमाम स्थितियां हैं, इनको लेकर स्थानीय जनता मन बनाए बैठी है, वोट करेगी, ऐसे प्रत्याशी को वोट करेगी जिससे वो उम्मीद जताएगी कि जनता के बीच में काम होना चाहिए। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और यहां से जीते सांसद चंद्रसेन जाधव ने जनता के बीच में आकर कोई ऐसा काम नहीं कराया जिसको वो अपनी उपलब्धियों के बारे में बता सके। जनता के बीच में वो नहीं गए, जनता के मुद्दों को उन्होंने नहीं सुना, तो
बिल्कुल शांत स्वभाव के रहते हुए उन्होंने 5 साल अपनी काटी, और इस 5 साल का अभाव है कि लोग आज भी उनकी आलोचना खुल के कर रहे हैं, उनके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। ये माना जा रहा है कि 5 साल के सांसद ने कोई काम नहीं किया। जी बिल्कुल जीरेन, अगर इस बात की बात की जाए, इस बार तो कौन किसको कितनी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहा है, मुकाबला किस तरह दिख रहा है? देखिए नंदिनी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह 2014 में बसपा से चुनाव लड़े, 2022 में जेपी नड्डा की सभा में शिकोहाबाद में वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उसके बाद तमाम जो प्रत्याशी की दावेदारी कर रहे थे, तमाम पुराने नेता थे, उन सबको एक दरकिनार करते हुए ठाकुर विश्वदीप सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। तो ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी लोगों में है, मायूसी भी है, ये देखा जाए कि अंदर घाते भी चल रही है। तमाम वो भाजपा के लोग हैं वो आज भी विश्वदीप के पक्ष में ना तो प्रचार कर रहे हैं ना लोगों से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी नेगेटिविटी 7 मई को चुनाव होगा उस पर देखा जाएगा। साथ ही समाजवादी पार्टी से अक्षय यादव 2014 में जीते, 2019 में हारे, और उसके बाद वो लगातार कैंपेन करते रहे, लोगों के बीच जाते रहे। मुस्लिम और यादव बहुतायत संख्या में यहाँ वोटर है, अन्य जाति के वोट हैं, लेकिन मुस्लिम और जो यादव वोट है वो एकजुट होकर इस बार अक्षय यादव को वोट करने की बात कर रहा है। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फिरोजाबाद में आए, तो मेरा अपना अनुभव है कि इतनी तमाम जो सभाएं हुई उनसे अधिक संख्या थी। भले ही वो वोटर्स नहीं हो सकते जैसा विपक्षियों का कहना है, भले ही वो भीड़ बुलाई गई हो, लेकिन एक मैसेज दे दिया गया मंच से कि इस बार समाजवादी पार्टी का वोटर एकजुट है, वो फटने वाला नहीं है। कैंडिडेट किसी भी अन्य दलों ने उतारे हैं, वोट काटने के लिए उतारे हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बार समाजवादी पार्टी का जो यादव बेस वोट है, जो मुस्लिम बेस वोट है, वो उसके साथ साथ जो अन्य जातियों का वोट जो मिलेगा वो उनके लिए एक तरह से देखा जाएगा बोनस है। तो वो समाजवादी पार्टी अपनी जीत की दावेदारी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को कम नहीं मान रही। उनका कहना है कि जीत हमारी होगी, आंकड़े अपने अपने लेके बैठे हैं, और ये भी कह दिया जाता है कि राजनीति में प्रत्याशी की आंख पर एक चश्मा चढ़ा होता है, उस चश्मे से उसे केवल केवल हरा हरा दिखता है। उसने कोई काम नहीं किया हो, कहीं जनता के बीच में नहीं गया हो, जनता की कोई समस्या नहीं सुनी हो, लेकिन चुनाव के दौरान वो चश्मा लगा के अपने को विजयी प्रत्याशी साबित करता है, लेकिन 4 जून को जो मतदाता है वो प्रत्याशी के भाग्य को तय करेंगे, किसके सिर पर जीत का ताज जनता जो पहनाएगी और किसको हार करके वो वापस करेगी। जी बिल्कुल, हाथरस से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, क्या कुछ वहां पर माहौल नजर आ रहा है? देखिए लगातार जिस तरीके से सभी पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही हैं, हाथरस में इस बार क्या कुछ माहौल है शमी, क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है? जी जी बिल्कुल, 4 जून को चुनाव का पड़ा माना है, 7 मई को यहाँ तीसरे चरण का चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर तो चुनाव होना है। आज शाम को उसका प्रचार थम जाएगा, और प्रचार थमने के बाद यहाँ के जो भी प्रत्याशी हैं वो सब लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं से दोनों से फोन पर बात करेंगे, और आज के बाद कोई भी व्यक्ति प्रचार नौकर सभा कोई भी मीटिंग अब नहीं कर पाएंगे, और जिसकी जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है, और एक एक छत्ते छत्ते पर नजर है, चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी, इसके लिए जिला प्रशासन की एक व्यवस्था है। हमारे साथ जुड़ गए हैं सिमाब, देखिए 2024 लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, और लगातार देखिए पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो देखिए बिल्कुल आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है तीसरे चरण के। जी सिमाब बोलिए। तीसरे चरण का आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, और लगातार चुनाव प्रचार लोग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम ताकत झोंकी, और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस ने भी ताकत झोंकी, बसपा ने भी ताकत झोंकी अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए। इस वक्त हम बदायूं में मौजूद हैं, बदायूं में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, और यहाँ पर सभी प्रत्याशी अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा।
हालांकि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो जीत का दावा कर रहे हैं कि उनकी बड़ी जीत होने जा रही है। आदित्य यादव से थोड़ी देर पहले बात हुई तो उन्होंने कहा कि बड़े अंतर से इस बार यहाँ पर जीत हासिल करेंगे हम लोग। वहीं दुर्विजय शाह के जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी जीत का दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक आरोप भी लगाया है कि उनके जो लोग हैं उनके पोलिंग एजेंट बनने वाले लोग थे उनको पुलिस प्रताड़ित कर रही है और अभी शिवपाल यादव जिलाधिकारी के कार्यालय पर मिलने के लिए आए हैं, पुलिस कप्तान भी यहाँ के मौजूद हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। ये बताया जा रहा है कि लगभग 40 लोगों को समाजवादी पार्टी के बैठाला है, प्रशासन ने और पुलिस ने उनको थाने में बंद कर रखा है। बहरहाल अब प्रशासन का क्या अगला रुख होगा, शिवपाल यादव चूंकि शिकायत करने के लिए इसी जिलाधिकारी का आवास के कक्ष पे जो है वो मौजूद हैं, कार्यालय कक्ष में मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस कप्तान भी मौजूद हैं, उनके साथ उनके बेटे आदित्य यादव जो कि यहाँ से प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद हैं। तो अलग अलग आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो चल रहा है। बहरहाल चुनाव में किसको जीत हासिल होगी ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही प्रत्याशी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और सभी का ये मानना है कि चुनाव प्रचार उनका बेहतर रहा है और बेहतर ढंग से इस बार चुनाव प्रचार जो है वो किया गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, जब चुनाव प्रचार चलता है तमाम नेता जो है वो मैदान में मौजूद रहे, जो सियासी सरगर्मियां थी वो काफी हलचल नजर आईं और आज सियासी सरगर्मियां और भी ज्यादा तेज नजर आएंगी। अलग अलग जगहों पर रोड शो चल रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर जो है वो चीजें हो रही हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर शायद जो है वो कुछ लोग हलचल बढ़ी थी तो इसलिए मुझे लगा शिवपाल यादव निकल रहे हैं। बहरहाल तो अलग अलग स्थानों पर चुनाव प्रचार चल रहा है। आज बदायूं में पुष्कल सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के सीएम हैं उनका रोड शो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया जाएगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो भी घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। तो आज ये अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का और इसके बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और 2 दिन बाद यानी कि कल के बाद परसों जो है वो वोटिंग होगी और वोटिंग में किसको क्या हासिल होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। शमी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शमी, हाथरस की बात की जाए तो वहां पर कौन से स्थानीय मुद्दे हावी होते नजर आ रहे हैं इस बार, क्योंकि 7 मई को वहां पर मतदान होना है। सबसे बड़े मुद्दे जाम के मुद्दे हैं, यहाँ पर रोडों की बड़ी समस्या है, पानी की समस्या है यहाँ जगह जगह पर, और यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज भी यहाँ बनना है और तमाम यहाँ इस प्रकार की समस्याएं, हॉस्पिटल की समस्या, जिला अस्पताल है लेकिन यहाँ से मरीज हमेशा रेफर होते हैं तो यहाँ अस्पताल की जिला चलता ही समस्या है, साथ ही साथ रोडों की एक बड़ी समस्या है, जाम यहाँ हमेशा लगा रहता है। हालांकि भाजपा सरकार में ही यहाँ पर एक ओवरब्रिज बनवा दिया गया था जिससे जाम की कुछ निजात हुई है, लेकिन फिर भी तमाम यहाँ मुद्दे हैं, यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा, राष्ट्र मुद्दा है, तमाम यहाँ मुद्दे हैं जिनको लेकर बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं संभल से। संवाददाता संभल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभल में क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है सुनील इस बार, देखिए 7 मई को मतदान होना है। मैं नंदिनी बताना चाहूंगा कि आज शाम 6 बजे जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने आपका अपना पूरा दमखम दिखाया है और दमखम दिखाने के साथ साथ सीएम योगी की सभा भी करी की गई थी और जो समाजवादी का अखिलेश यादव है उन्होंने भी सभा की है। बीजेपी ने अपने परमेश्वर लाल सैनी को प्रत्याशी बनाया है और सपा ने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जो सफीक रहमान बर्क थे उनके पोते को प्रत्याशी बनाया, जिया रहमान बर्क को। अब और बसपा ने सौलत अली जो पूर्व विधायक अभी रहे थे 2 बार उनके लिए बनाया, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इन राजनीतिक पार्टियों ने जमकर चुनाव प्रचार किया है जो शाम 6 बजे थमेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 10,92,000 जो मतलब 18,92,000 जो मतदाता हैं उनमें आधे से ज्यादा जो आबादी है मुस्लिम आबादी कहलाती है और ये जो संभल लोकसभा है मुस्लिम बाहुल लोकसभा है। अब आधा जो वोट समाजवादी अपने लिए मानती है और उसके बाद आधे में ये सब मानते हैं, लेकिन क्या गुल खिलाएगा वो ये परसों का जो मतदान होगा 7 तारीख में वो बताएगा। लेकिन जिला प्रशासन ने जो मतदान के लिए कमर कस ली है, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और पोलिंग पार्टियों के लिए जो स्थान है वो नियुक्त कर लिया गया, गाड़ियों का अधिग्रहण कर लिया गया है और जिला प्रशासन पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद है। अब
जैसा कि मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर ये सपा का गढ़ माना जाता था, यहाँ पर सपा के जो प्रत्याशी हैं पहले रामगोपाल यादव थे, मुलायम सिंह यादव बने थे यहाँ पर सांसद, फिर शफीक रहमान बर्क बने थे। बीजेपी के जो नसीब में सीट थी वो सिर्फ सत्यपाल सैनी ने एक बार निकाली थी। अब वो आगे आने वाला 7 मई का चुनाव बताएगा कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। जी।